नमस्कार, हमारे चैनल ब्राइट स्पॉट पर आपका स्वागत है। आज हम कान्हा जी की स्वास्तिक वाली ड्रेस बनाएंगे। इसके लिए हमने दो कलर लिए हैं और जीरो से एक नंबर के लिए बना रहे हैं। इसके लिए हमने इसमें 12 फंदे डाले हैं। तो इसके हम सबसे पहले चोली बनाएंगे। तो ये 12 फंदे हैं, 12 फंदों को हमें पहली दो सिलाइयां हमको उल्टी उल्टी बुन करके कंप्लीट करनी है। ये सभी फंदे हमको उल्टे बुनने हैं, इधर से भी और उधर से भी। दो सिलाइयां कंप्लीट कर लेते हैं। दो सिलाइयां हमने उल्टी उल्टी बुन के कंप्लीट कर ली। अब हम तीसरी सिलाई पर आ गए। तीसरी सिलाई पर हमको ये शुरू के दो फंदे उल्टे बुनने हैं और लास्ट के दो फंदे उल्टे बुनने हैं, और बीच के जो 8 फंदे हैं इनको हमें एक फंदे के दो फंदे बनाने हैं। देखिए, पहला फंदा तो हम इसमें उतार लेंगे, इसको नहीं बुनना है। एक फंदा हमने उल्टा बुना। अब हमें ये 8 फंदे बीच के हैं, इनको हमें एक से दो करने हैं। देखिए, ऊन को पीछे करेंगे और इसको पहला फंदा हमने ये सीधा बुना, इसको हमें उतारेंगे नहीं, ऊन को आगे करेंगे और इस तरह से हमने एक फंदे के दो फंदे कर लिए। फिर ऊन को पीछे किया इस तरह से, हम ये देखिए एक फंदे के हमने ये दो फंदे बना लिए। तो बीच के 8 फंदों के हमें 16 फंदे बनाने हैं। इस तरह से हम 16 फंदे बना लेते हैं। 8 फंदों के ये 16 फंदे हमने कर लिए। लास्ट के दो फंदे हमारे बचे, ये हमें उल्टे उल्टे बुनने हैं। देखिए, ये दोनों फंदे हमने उल्टे बुन लिए। अब हम उल्टी सिलाई पर हैं। यहां पर हमको सभी फंदे उल्टे उल्टे बुनने हैं। देखिए, पहला फंदा उतार लेंगे और सभी फंदों को हम उल्टे उल्टे बुनेंगे। ये देखिए, ये इतना हमारा बुन गया। अब हम फिर सीधी सिलाई पर हैं। बीच के 8 फंदों के हमने 16 कर लिए, तो हमारे इसमें 20 फंदे हो गए। अब हमें शुरू के फिर ये दो फंदे पहला तो उतार लेंगे और ये एक फंदा हम उल्टा बुनेंगे। तो ये शुरू के हमारे इसी तरह से हमको बुनना है। फिर हमें एक फंदा सीधा बुनना है। एक फंदा हमने सीधा बुना, एक फंदे के हमें दो करने हैं। ये देखिए, इस तरह से हम एक फंदे के हमने दो किए। फिर हमें एक फंदा सीधा बुनना है और एक के दो करने हैं। तो हम एक फंदा सीधा बुनते जाएंगे और एक फंदे के दो करते जाएंगे। ये देखिए, एक फंदा सीधा बुना, एक के दो किए। इसी तरह से हमें सभी फंदे बुनने हैं और लास्ट के दो फंदे हमको उल्टे बुनने हैं। ये देखिए, एक के दो कर दिए, फिर हमने एक सीधा बुन लिया और एक फंदे के ये देखिए दो कर लिए। इसी तरह से पूरी सिलाई कंप्लीट करते। ये देखिए, बीच के फंदों में हमने एक सीधा बुना और एक के दो किए। इसी तरह से हमने बढ़ा लिए और लास्ट के दो फंदे हमको उल्टे उल्टे बुनने हैं। ये देखिए, एक फंदा उल्टा और ये। अब इसमें हमारे 28 फंदे हो गए और उल्टी सिलाई हमको पूरी उल्टी बुन करके कंप्लीट करनी है। इसको हम उल्टी बुन लेते हैं। ठीक है, हम अब सीधी सिलाई पर आ गए। उल्टी सिलाई हमने पूरी उल्टी बुन के कंप्लीट कर ली। सीधी सिलाई पर है, इसको भी हमें पूरा सभी फंदे हमको उल्टे बुनने हैं। पहला फंदा उतार लेंगे और सभी फंदे हम उल्टे बुनेंगे। सभी उल्टे बुन लेते हैं। देखिए, सीधी सिलाई हमने पूरी उल्टी बुन करके कंप्लीट कर ली। अब हम उल्टी सिलाई पर हैं। यहाँ पे अब हमें मुड्ढे घटाएंगे। तो इसके लिए 4 फंदे हम पहला फंदा उतार लेंगे और 4 फंदे हमको उल्टे बुनने हैं। 1, 2, 3 और ये 4। 4 फंदे हमने उल्टे बुने। अब हमें 6 फंदे बंद करने हैं। ये देखिए, 6 फंदे हम बंद करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये 6 फंदे हमने देखिए मुड्ढे के लिए बंद कर दिए। अब हमें फिर यहां पे 8 फंदे हमको उल्टे बुनने हैं। तो एक फंदा हमारा इसमें है, 2 हो गए, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 फंदे हमारे ये पीछे के लिए हो गए हैं। अब हमें यहां पर 6 फंदे फिर बंद करने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये देखिए, 6 फंदे हमने बंद कर लिए। अब हमारे ये 4 फंदे बचे।
इन चार फंदों को हमको उल्टा बुनना है। ये एक हो गया हमारा, दो तीन चार, ये देखिए ये हमारे मुड्ढे घट करके ये तैयार हो गए। ये देखिए ये मुड्ढे घट गए, अब हमें सीधी सिलाई पर आ गए और सीधी सिलाई पे हमें दो फंदे हमको उल्टे बुनने हैं और सभी फंदे हमको सीधे बुनने हैं। देखिए दो फंदे हम शुरू के, एक फंदा हमने उतार लिया, एक फंदा हमने ये बुनना, ये देखिए अब हमें सभी फंदे सीधे बुनने हैं। ये देखिए यहां से यहां तक हमको सब फंदे सीधे बुनते जाएंगे। देखिए यहां से और ये वाला जब फंदा लेंगे तो इसको हमें टाइट लेना है, इसको हमें टाइट करके लेंगे जैसे ये मुड्ढे जाली ना पड़े इसमें। देखिए इस तरह से लेंगे और इसको यहां पे टाइट कर देंगे और लास्ट के दो फंदे हैं ये इसको उल्टा बुनेंगे और सभी फंदे हमको सीधे बुनने हैं। ये देखिए हमारा इतना बुन करके तैयार हो गया। अब हमारे इसमें 16 फंदे रह गए, 16 फंदे हैं। अब हम उल्टी सिलाई पर हैं, उल्टी सिलाई हमको पूरी सभी फंदे उल्टे बुनेंगे, इसमें हमें पूरी सिलाई उल्टी बुन करके कंप्लीट करनी है। ये देखिए हमारी ये चोली बन करके ये कंप्लीट हो गई। अब हम इसका घेरा बनाएंगे और जिसमें हमको स्वास्तिक बनाने हैं, इसको हम किनारे रख देते हैं और घेरा बनाने के लिए जिसमें हमको स्वास्तिक बनाने हैं इसमें हमने डाले हैं 81 फंदे, 81 फंदे हमने इसमें डाले हैं और इससे हमें सभी फंदे पहली और दूसरी सिलाई, दो सिलाइयां हमको उल्टी उल्टी बुन करके कंप्लीट करनी है। 81 फंदे हैं और इसको हम पूरी सिलाई उल्टी बुन करके कंप्लीट करते हैं। ये दो सिलाइयां हमने उल्टी उल्टी बुन करके कंप्लीट कर ली, सीधी तरफ से भी उल्टी और उल्टी तरफ से, दो कंप्लीट हो गई। अब हमें शुरू के दो फंदे, पहला फंदा हम उतार लेंगे और ये दूसरा फंदा हमको इसको उल्टा बुनना है। देखिए दो फंदे हमारे इस तरह से बुन गए और अब हमें सभी फंदे सीधे सीधे बुनने हैं। ये देखिए ये पूरी सिलाई हमको सीधी सीधी बुन करके कंप्लीट करनी है। इस तरह से हम सीधी बुन लेते हैं, पूरी सिलाई हमने सभी फंदे सीधे बुन लिए, लास्ट के दो फंदे हमको उल्टे बुनने हैं। जैसे हमने शुरू में दो फंदे उल्टे बुने थे उसी तरह लास्ट में भी हमको दो फंदे उल्टे बुने। अब हम उल्टी सिलाई पर हैं, ये पूरी सिलाई हमको सभी फंदे उल्टे उल्टे बुनेंगे। देखिए पहला उतार लिया और सभी फंदे हम उल्टे बुन करके कंप्लीट करेंगे। ये देखिए हमने ये पूरी सिलाई हमने उल्टी बुन करके कंप्लीट कर ली। अब हम सीधी सिलाई पे आ गए और यहाँ पे हमको स्वास्तिक बनाने हैं, तो सभी को हमें इस तरह से बनाना है। 81 फंदे हैं तो किनारे के ये दो फंदे हम उल्टे बुनेंगे, दो फंदे सीधे बनेंगे, चार का गैप लेकर चलेंगे और सात में हमारे ये स्वास्तिक बनेंगे। सात फंदों में हमारा स्वास्तिक बनकर के तैयार होगा। तो वो किस तरह से बनाएंगे ये देखिए, इसको हम एक तरह से आपको दूसरे तरह से कागज में बता देते हैं। ये देखिए इस तरह से हमारा, ये देखिए ये है, इस कलर से हम बनाएंगे। ये दो फंदे बीच के हैं, ये हमारा बेस रहेगा और ये चार फंदे ये, तो ये हमारे सात फंदों का स्वास्तिक बनेगा और बीच में ये यहां पर चार फंदे हमारे खाली रहेंगे, ये जो हमारा बेस है वो इस तरह के। फिर यहां पर हम फिर स्वास्तिक बनाएंगे सात फंदों का, इस तरह से सात और चार, 11 फंदे हमारे ये हो गए। उसके बाद सात फंदे फिर चार फंदे, इसी तरह से हम इसको लेकर के चलेंगे। ये हमारा इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 सात सलाइयों में हमारा स्वास्तिक बन करके तैयार होगा। तो देखिए हमें इसमें किस तरह से बनाएंगे, दो फंदे हम पहले उल्टे बुनेंगे, पहला उतार लिया, ये देखिए दो फंदे हमने उल्टे बुनाए, अब हम दो फंदे सीधे बनाएंगे। देखिए दो फंदे हमारे ये सीधे हो गए। अब हमें यहाँ पे स्वास्तिक बनाना है तो इसको यहाँ पे कलर चेंज करेंगे। ये देखिए ये हमने कलर चेंज किया, इस तरह से लगा लिया और फिर हमें ये दो फंदे, ये देखिए एक फंदा हमने ग्रीन कलर से बुना स्वास्तिक बनाने के लिए, ये दो फंदे ये जो गोले हैं ये हमारा यहाँ पर बेस है। इस तरह से यहाँ पे दो फंदे हमको इस कलर से बुनने, ये देखिए 1 2। अब हमें फिर ये चार फंदे हैं, ये देखिए ये चार फंदे हमें ग्रीन कलर से बुनने हैं, इनसे हमारा स्वास्तिक बन करके कंप्लीट होगा। 1 2 3 4, ये देखिए चार फंदे हमने बुने। अब हमें चार फंदे, ये हमने जो चार फंदे बताए थे ये बेस कलर से, इस कलर से हमको बुनाने हैं। 1 2 3 4, ये देखिए चार फंदे इस कलर से बना लिए। अब हमें फिर एक फंदा जो हमने इधर बनाया था उसी तरह से हम एक फंदा ये
ग्रीन कलर से बनाएंगे और दो फंदे इस कलर से हमको बनाने हैं। ये देखिए दो फंदे इस कलर से बनाए और चार फंदे फिर हम ग्रीन से बनाएंगे। इसी तरह से हमें पूरी सिलाई कंप्लीट करनी है। ये देखिए चार फंदे बन गए और इसके बाद चार फंदे फिर हम इसी कलर से, इसी तरह से हम बनाते चलेंगे। चार फंदे इस तरह से बनाए, फिर एक फंदा, दो फंदे इस तरह से, चार फंदे इस तरह से हम पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं। फिर हम उल्टी सिलाई पे आपको बताएंगे कि हमें आगे किस तरह से बुनना है। ये पूरी सिलाई हमने इसी तरह से कंप्लीट कर ली है और ये लास्ट के दो फंदे सीधे और दो फंदे हमको लास्ट में उल्टे बुनने हैं। दो उल्टे बुन लेते हैं। देखिए उल्टी सिलाई पर आ गए, ये चार फंदे हमको इसी कलर से ही बुनने हैं। देखिए पहला फंदा उतार लेंगे और ये चार फंदे हम, देखिए दो तीन चार। अब हमको यहां पर उल्टी सिलाई पर एक, क्योंकि हम छोटा सतिया बना रहे हैं इसलिए एक एक सिलाई पर ही हमको बनाना है। तो इस सतिये को जैसे देखिए, इस स्वास्तिक को हमने सीधा रखा था तो इस तरह बनाया, अब हमें उल्टी सिलाई करेंगे तो हम उसको उल्टा कर लेंगे। तो इधर से बुनेंगे, देखिए चार फंदे हमने ये येलो कलर से बना लिए, तीन फंदे जो हमारे थे इसको हमें येलो कलर से ही बनाना है, बेस कलर जो हमारा है उसी से बनाएंगे, और एक फंदा हम बनाएंगे ग्रीन कलर से, फिर दो फंदे हमें बेस कलर से बनाना और एक इस तरह से, इस तरह से ये वाली सिलाई हमको कंप्लीट करनी है। तो ये सात फंदे हमको इस तरह से बनाना है। देखिए इसको हम इसमें दबाते हुए चलेंगे, देखिए पांच छ सात, ये सात फंदे हमारे हो गए, एक फंदा हुआ, इसको हमें इस कलर से ही बनाना है। देखिए ये बना लिया, उसके बाद दो फंदे हमको बेस कलर से ही बनाएंगे, ये देखिए इस तरह से, और एक फंदा ग्रीन कलर से, ये हमारा इस तरह से ये देखिए तैयार होगा। और आगे हमें फिर सेवन फंदे, सात फंदे हम इसी कलर से बनाएंगे, दो तीन चार पांच छ सात, ये सात फंदे हमारे हो गए, एक फंदा हमें ग्रीन कलर से बनाना है। ये देखिए एक फंदा ग्रीन कलर से बनाया, दो फंदे हमें इसी कलर से बनाने, एक दो ये ग्रीन कलर से ही बनेगा, फिर हमें सात फंदे बेस कलर से बनाने। इसी तरह से हम बनाते हुए चलेंगे, सात फंदे बनाए, एक फंदा हमारा ग्रीन कलर से, दो बेस कलर से, फिर एक ग्रीन, ये हमारा इसी तरह से स्वास्तिक बनता हुआ चलेगा। और ये सात फंदे हमें फिर बेस कलर से बनाएंगे, ये सात फंदे बना लेते हैं। इसी तरह से हमें पूरी सिलाई इसी तरह से हमको कंप्लीट करनी है। ये देखिए ये सिलाई हमने कंप्लीट कर ली, दो सिलाइयां हमारी कंप्लीट हो गई स्वास्तिक बनाने के लिए। अब हम थर्ड सिलाई पर आ गए, तीसरी सिलाई पर। तीसरी सिलाई पर जो फंदा हमने जैसा बुना है इसी तरह से बुनना है। ये देखिए इसमें हमें एक ग्रीन बुनना है, दो इस तरह से और एक ग्रीन, फिर इसी तरह से, जैसा जो है उसी तरह से हम बुनेंगे, इसमें हमें कोई चेंज नहीं करना है। इस तरह से पहला फंदा हम उतारेंगे और शुरू के दो फंदे हमको उल्टे बुनने हैं। तो ये देखिए दो फंदे हमने उल्टे बुने और ये दो फंदे हमको सीधे बुनने हैं। ये देखिए दो सीधे बुने और ये फंदा हमारा है ये ग्रीन कलर से हमको बुनना है। तो ये देखिए इसको हमें इसमें फंसाते हुए बुनना है, इस तरह से हम इसको फंसा लेंगे फिर बुनेंगे इस तरह से। ये देखिए इस तरह से बुना और ये फंदे जैसे फंदे हैं हमारे उसी तरह से बुन करके हमको कंप्लीट करना है। पूरी सिलाई इसी तरह से हम कंप्लीट कर लेते हैं। ये तीन सिलाइयां हमारी स्वास्तिक की कंप्लीट हो गई। अब हम चौथी सिलाई पर हैं और चौथी सिलाई पर हमको ये देखिए ये वाला हिस्सा अब हमको बुनना है, ये वाला। तो ये सात फंदे हैं, तो सात फंदे हमको ग्रीन कलर से बुनने हैं, फिर चार फंदे हमको बेस कलर से बुनने हैं, येलो कलर जो हमारा ये लगा है ये इस कलर से बुनने हैं। सात फंदे, चार फंदे, फिर सात फंदे, इस तरह से हमको ये इसको बुनना है। तो पहला फंदा हम उतार लेते हैं, पहला फंदा उतार लिया, दो तीन चार, ये चार फंदे हमने इस कलर से बुने और सात फंदे अब हमको ग्रीन कलर से बुनने हैं। तो इसको हम इसमें फंसाते हुए बुनेंगे, इस तरह से फंसा लेंगे, एक दो तीन चार पांच
छः, सात, ये सात फंदे हमें ग्रीन से बुने। अब हमें चार फंदे फिर इसी कलर से बुनने हैं, बेस कलर से। दो, तीन, चार, फिर हमें सात फंदे ग्रीन कलर से। इसी तरह से हमें पूरी सिलाई कंप्लीट करनी है, चार सात फंदे ग्रीन से और चार फंदे येलो से। इस तरह से हम पूरी सिलाई कंप्लीट करते हैं। ये देखिए हमारी स्वास्तिक की पांच सिलाइयां बनकर के कंप्लीट हो गई। ये देखिए अब हमारा इस तरह से दिखाई देने लगा है। अब हम सिक्स सिलाई पर हैं। सिक्स सिलाई पर हमें ये करना है, जो फंदा जिस तरह का रंग का है उसी रंग का बुनना है। इस तरह से जिस तरह का है उसी तरह से हम ये सिलाई, हमें उसी तरह से सिक्स सिलाई हमको उसी तरह से बुननी है। देखिए पहला फंदा उतार लिया, एक दो तीन चार, ये चार फंदे हमने इस तरह के बुने, उनको उसमें फंसाया और ग्रीन कलर का फंदा है तो ग्रीन कलर से बुनेंगे, और ये येलो कलर से है तो ये हमने येलो कलर से बुन लिया। ये देखिए इस कलर से बुना, जो जिस रंग से है उसी रंग से हमें बुनते जाना है, इसमें हमें कोई चेंज नहीं करना है। इस तरह से हम बुन करके तैयार कर लेते हैं। ये देखिए छह सिलाई का हमारा स्वास्तिक बन के कम्प्लीट हो गया। अब हमारी आखिरी और सातवीं सिलाई, सेवेंथ रो, सेवेंथ सिलाई हमारी शुरू होगी। और सेवेंथ सिलाई में हमको क्या करना है, चार फंदे हमारे इस कलर से बुनेंगे और चार फंदे हम ग्रीन से बनाएंगे। दो फंदे जैसे हैं वैसे ही बुनना है और एक ग्रीन से। इस तरह से हमारा ये कंप्लीट होगा। आप तो देखिए कैसे बुनते हैं। पहला फंदा उतार लेंगे और ये चार फंदे हमको इसी कलर से बुनने हैं। दो तीन चार, ये चार फंदे हमने बुने और तीन फंदे हमको ग्रीन कलर से बुनने हैं। एक दो तीन, ये तीन फंदे ग्रीन से बुने, चौथा फंदा ये भी हमको ग्रीन से ही बुनना है। तो ये चार फंदे हमारे येलो कलर से हो गए, चार फंदे हमारे ग्रीन कलर से, और दो फंदे जैसा है वैसे ही बुनने हैं। ये दो फंदे हमने जैसे हैं वैसे ही बुना और एक ग्रीन से। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए हमारा स्वास्तिक तैयार हो गया। इसी तरह से हम बुनते जाएंगे, चार फंदे हम इस कलर से बुनेंगे येलो कलर से। एक दो तीन चार, चार फंदे बुने और चार फंदे अब हमको ग्रीन से बुनने हैं। एक दो तीन और ये चार, ये चार फंदे ग्रीन से बुन लिए, दो फंदे येलो कलर से, फिर एक ये ग्रीन से। और इसी तरह से हमको पूरी सिलाई कंप्लीट करनी है, चार फंदे येलो से, चार ग्रीन से। इसी तरह से हम जैसे हमने इधर बुना है उसी तरह से हम पूरी सिलाई कंप्लीट करेंगे। ये देखिए हमारा ये स्वास्तिक बन करके ये पूरा कंप्लीट हो गया। अब हमें यहाँ से ग्रीन कलर को हटा देना है, अब ग्रीन कलर का यूज नहीं करेंगे। और ये उल्टी सिलाई पर आ गए, उल्टी सिलाई हमको पूरी येलो कलर से उल्टी उल्टी बुन करके कंप्लीट करनी है। सभी फंदे हम उल्टे उल्टे बुनेंगे। देखिए पहला फंदा हम उतार लेंगे और सभी फंदे उल्टे उल्टे बुनेंगे। ये सभी फंदे उल्टे उल्टे बुन के कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए उल्टी सिलाई हमने पूरी उल्टी बुन करके कंप्लीट कर ली। अब हम सीधी सिलाई पर हैं। सीधी सिलाई हमको पूरी सीधी बुननी है और उधर से हम पूरा उल्टा बुनेंगे। दो सिलाइयां सीधी इधर से और उल्टी उधर से बुन करके कंप्लीट करते हैं, फिर आगे हम आपको बताएंगे कि किस तरह से बुनना है। यदि दो सिलाइयां बुन करके कंप्लीट कर ली, एक सीधी सिलाई और एक उल्टी। अब हम फिर सीधी सिलाई पर आ गए तो अब हमें कैसे बुनना है। दो फंदे, तो पहला फंदा हमने उतार लिया और एक फंदा हमें ये उल्टा बुनना है। देखिए ये बुना, उनको पीछे किया और दो फंदे हमने, देखिए दो फंदे हमने ये सीधे बुन लिए। दो सीधे बुनने के बाद हमें दो का एक करना है। ये देखिए इस तरह से हम दो का एक करेंगे। दो का एक किया, फिर हमने दो फंदे बुने, दो फंदे बुन लिए, फिर हम दो का एक करेंगे। देखिए इस तरह से दो फंदे बुनेंगे सीधे और फिर दो का एक करना। इसी तरह से हमें पूरी सिलाई में अब फंदे घटाने हैं, तो इसी तरह से हम बुनते जाएंगे और फंदे घटाएंगे। दो बुन लिए और फिर हमने ये दो का एक कर लिया। इसी तरह से कंप्लीट करते हैं। देखिए दो बुने, दो सीधे बुने और दो का एक किया। इस तरह से हमने पूरी सिलाई कंप्लीट कर ली। अब हम उल्टी सिलाई पर हैं। उल्टी सिलाई हमको पूरी उल्टी बुन करके कंप्लीट करनी है। इसमें हम कोई फंदा घटाएंगे नहीं, इसको हमें पूरा पूरा उल्टा बुनना है। ये बुन लेते हैं। देखिए पहला फंदा हमने उतार लिया
दूसरा फंदा हम उल्टा बुनेंगे। और अब हमें दो का एक करना है, ये देखिए इस तरह से हमने लिया और अब हमें दो का एक करना है, ये देखिए दो का एक किया, फिर हम दो का एक करेंगे। सभी फंदे हमें इसी तरह से दो के एक दो का एक करना है, पूरी सिलाई इसी तरह से हम फंदे घटाएंगे। देखिए इस तरह से हम करते जाएंगे, इसी तरह से हम कंप्लीट करते हैं। देखिए दो का एक करके ये सिलाई हमने कंप्लीट कर ली। अब हम उल्टी सिलाई पर हैं, उल्टी सिलाई पर फिर हमें एक बार दो का एक करना है। इसी तरह से सभी फंदे हमको दो का एक करना है। देखिए इसी तरह से हम घटाते जाएंगे। ये देखिए हमारे इस तरह से 16 फंदे इसमें बचे हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16 फंदे, 16 फंदे ही हमारे इस चोली में थे, इस चोली में, इसको हमें इसमें जोड़ना है। तो पहले हम सीधी सिलाई एक बुन के कम्प्लीट करते हैं, जिससे कि हमारे ये फंदे सब पास पास हो जाएंगे। इसलिए हमें ये फंदे को सीधे सिलाई को इसी तरह से सीधा सीधा बुन करके इस सिलाई को कम्प्लीट करना है। इसको सीधा सीधा बुन लेते हैं। देखिए हमने चोली बनाई थी, अब हमें इसको और इसको दोनों को हमें इसमें जोड़ देना है इस तरह से। देखिए एक फंदा हम इससे लेंगे और एक फंदा हमें इसमें से लेना है, इस तरह से हम इसको जोड़ेंगे। ये एक फंदा इसका लिया और एक फंदा हमने इसका लिया और इस तरह से हम दो का एक करेंगे। ये देखिए हमने ये दो का एक किया और ये धीमे से इसको निकाल देंगे। ये दो का एक हो गया, फिर हमने एक लिया और एक इसमें से लेंगे। देखिए ये देखिए एक इसमें से लेंगे और एक इसमें से, ये देखिए इस तरह से, ये देखिए ये हमने इस तरह से किया। अब हमें क्या करना है, ये वाला एक फंदा जो पीछे वाला है, इस फंदे को हमें इसमें से उतार देना है। ये देखिए इस आगे वाले फंदे पे इस तरह से उतार देंगे। ये देखिए हमने उतार दिया, फिर हमने एक फंदा फिर इसी में से लेंगे और एक फंदा इससे लेंगे और इस तरह से हमने इसको उतारा। फिर हमारी ये दो फंदे हो गए, तो इसको फिर हमें ये पीछे वाले फंदे को इस तरह से इसके आगे वाले फंदे पर इस तरह से हमको चढ़ा के उतार लेना है। देखिए इस तरह से उतारते जाएंगे, एक फंदा इससे लेंगे, एक फंदा इससे लेंगे। ये देखिए हमारा ये कान्हा जी की ड्रेस बन करके ये तैयार हो गई है। यहाँ पर हमने इसको सेट कर लिया और ये देखिए मुड़ रही है। इसको मुड़ने के लिए हम इसको प्रेस भी कर सकते हैं, इसको प्रेस कर दें या नीचे कंगूरे बना दें क्रोशिया से। आप क्रोशिया से काम करना चाहें तो इसमें क्रोशिया से कंगूरे बना दें तो ये बिल्कुल इस तरह से सेट हो जाएगी। देखिए कितनी सुंदर और कितनी बढ़िया बन करके तैयार हुई है। देखिए कान्हा जी की ड्रेस बन करके हमारी तैयार हो गई है। नीचे हमने ये देखिए क्रोशिया से कंगूरे बना लिए हैं। आप भी बनाइए और कमेंट करिए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब अवश्य करिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। नमस्कार।